तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे मामा तुम्हें जेल में बंद करवा देते, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि मेरी वजह से तुम्हें जरा भी तकलीफ पहुंचे। तकलीफें मेरी जिंदगी है आरती, लेकिन तुमने अपनी जायदाद देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस जायदाद से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, मेरा सहारा है। नहीं आरती, मैं जिंदगी के समुन्द्र में बिना पतवार के चलने वाली किश्ती हूँ। जब कोई मेरा अपना सहारा नहीं, मैं तुम्हारा सहारा क्या बनूंगा? तुम मुझे अपनी किश्ती की पतवार बना लो, हम दोनों की तकदीरें हमें किनारे तक पहुंचा देंगी, मुझे पूरा यकीन है। ये यकीन नहीं, नादानी है, धोखा है जो तुम अपने आप को दे रही हो। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं जुर्म और गुनाहों की दलदल में गिरा हुआ एक ऐसा इंसान हूं जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफों के सिवा कुछ भी नहीं। कांटे ही कांटे हैं मेरी जिंदगी में। शंकर, अरे ओ शंकर, बैट बैट लग गया क्या? हाँ सर जी। जैकब। यस सर। यार मेरी गाड़ी का इंजन चेक करो, बार बार बंद पड़ जाता है। दिनों साहब की गाड़ी चेक करो। अभी लीजिए साहब। आइए कुमार साहब, चाय पीते। मैं चलूं? मेरी माँ बीमार है। हाँ बेटे, ये ले तेरी आज की मजदूरी। शुक्रिया। ए, तूने मेरा सिगरेट केस देखा? नहीं साहब। झूठ बोलता है। क्या बात है कुमार साहब? उसने मेरा सोने का सिगरेट केस चोरी किया, अभी गाड़ी में पड़ा हुआ। कब है? कहाँ है सिगरेट केस? वो शंकर के पास है सर जी। मैं तुझे दवाई लाया हूँ और फल भी। पेट भर खाना तो मिलता नहीं, जब देख तुम्हारे लिए फल ले आता है। डॉक्टर ने कहा है माँ, फल खाने से तुम्हें ताकत आएगी। कितना ख्याल है तुझे माँ का, खाने खेलने के दिन है तेरे, पर तुझे इन छोटे छोटे हाथों से काम करना पड़ता है। माँ तू अच्छी हो जा, इसके लिए जितना भी काम करना होगा मैं करूंगा। माँ ये ले फल। ये तू कहाँ से लेकर आया? चोरी करके। चोरी करके? नहीं माँ, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। माँ तेरी कसम मैंने चोरी नहीं की। ये मेरी छोटी कसम नहीं खा सकता साहब। ये चोर है, चल पुलिस स्टेशन। अबे लांडे, बड़े फुर्तीले, अबे बचपन में ये हाल है तो जवानी में तो सारे शहर की पुलिस को उंगलियों पे ले जाओगे। क्या धंधा करता है अबे, चोरी या जेब कतरी? नहीं आप उन्हें गलत समझ रहे, मैं कोई बुरा काम नहीं करता। मेरी माँ मुझे एक अच्छा आदमी बनाना चाहती थी, पर मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। इस दुख में मेरी माँ मर गई। अबे अच्छा बनने वाले तेरी तरह जिंदगी भर रोते रहते हैं, उनकी माँ इसी तरह मर जाती है। इस आज की दुनिया में जिंदा रहने का अक्सर उन्हें मिलता है जो छीनना जानते हैं, दुनिया को अपने सामने झुकाना जानते हैं, इस उंगली पर दुनिया को नचाना जानते हैं। पुलिस भागती है गरीबों के पीछे, गरीबी से पीछा छुड़ा अमीर बन जा। पैसे की ताकत तुझे खुशी, इज्जत और शान से रहने का तरीका सब तो सिखा देगी। हाँ
पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना पुलिस की गोलियां तुम्हें छलनी कर देंगी। ओके इंस्पेक्टर, मैं खुद को कानून के हवाले करने को तैयार हूं। गिरफ्तार कर लो इसे। यस सर, चलो। किसी ने गोली चलाई तो, वरना मैं इंस्पेक्टर पोपर की जिंदगी का पोपर चला दूंगा। मेरी जान की परवाह मत करो, गोली चलाओ उस पर। बड़ी नफरत करते हो मुझसे? अपनी जान की भी परवाह नहीं? हाँ, तुम जैसे मुजरिमों को खत्म करने के लिए मैं हजार बार अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, पर पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारी जान बहुत प्यारी है। मैं जानता हूं कि कोई गोली नहीं चलाएगा, और तुम मुझे मेरी मोटरसाइकिल के पास तक लेकर चलोगे। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जरा किक मार दो प्लीज। थैंक यू। एक बात याद रखना शाका, जिस दिन दोबारा तुम मेरे हाथ लग गए उस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्म मना दूंगा। वो दिन तुम्हारे मरने से पहले नहीं आएगा इंस्पेक्टर, और जब तक तुम जिंदा हो शाका तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बनाए रखेगा। मैं तुम्हारा ये रिवॉल्वर ले जाता हूं, और तुम ये रख लो, नकली है। शाबाश शाका, शाबाश। शाका, ओ शाका, ये क्या आते ही पीना शुरू कर दिया? निशा, ये हीरा हमारे शाका की तरफ से तुम्हारे लिए। बड़े संभाल के रखना इसे, बहुत कीमती है ये। हाँ, मेरे लिए तो शाका से ज्यादा कीमती कोई हीरा नहीं है राजा बाबू। शाका, इंस्पेक्टर पोपटलाल को आज की चोरी की खबर नटवर दादा ने दी थी। शाका, रहने दो ना, तुम आज रुक जाओ ना। तुम शाका की सिर्फ महबूबा हो, आइंदा शाका के काम में दखल देने की कोशिश मत करना। निशा, तुम घर जाओ, मेरा शेर शिकार करने के बाद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। नटवर, मुझसे दुश्मनी करने वाले का जीना हराम हो जाता है, शायद तू ये भूल गया था।
तूने दी थी पुलिस को मुझे पकड़ने के लिए। अब एक खबर मैं तुझे देता हूं, तेरे इस अड्डे पर 50 लाख रुपए के चरस, गांजा और हशीश है। तुम दोनों इस काबिल नहीं कि अपने पैरों पर खड़े हो सको, और एक मिनट में पुलिस यहां आ जाएगी। वेलकम मिस्टर डागा, वेलकम। हेलो राजा बाबू, हमें जैसे ही पता चला कि हीरो की चोरी हो गई है, हम फौरन रुपया लेकर यहां चले आए। हम मान गए तुम्हें। इससे पहले नटवर दादा इन हीरों को चोरी करने में 2 बार नाकाम रह चुका है। नाकामी का शब्द राजा बाबू की डिक्शनरी में नहीं है मिस्टर डागा। वक्त पर कामयाबी से काम करना राजा के बिजनेस का पहला असूल है। बस मेरा शेर, मेरा बेटा शाका सही सलामत रहे।